गुड मॉर्निंग बच्चों, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ ओके। कल हमने अल्केन के बारे में पढ़ा। टुडे विल डिस्कस अबाउट अल्किन्स इन डिटेल में अभी, और देखने का है, मगर एक थोड़ा जनरल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो। अब कल मैंने आपको एक होमवर्क बताया था, मीथेन टू डेकेन अल्केन की सीरीज प्रिपेयर करने की। तो आई होप आप सब ने किया होगा। ठीक है। टुडे विल डिस्कस अबाउट सम जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अल्केन। अल्केन के बारे में देखेंगे, अल्किन के बारे में देखेंगे। अल्किन, देखो, ANE, एंड ये क्या है? ENE। अल्किन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब देखो, मीथेन का फर्स्ट मेंबर है अल्केन, अल्केन का फर्स्ट मेंबर है मीथेन, बराबर है? जो हमने यहाँ देखा, कहाँ देखा वो, यहाँ, राइट, CH4, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, दैट इज मीथेन। बट इन अल्किन द फर्स्ट मेंबर इज इथिन, C2H4, यह है इथिन। इथिन ऐसा क्यों? अल्किन कंटेन्स एटलीस्ट टू कार्बन एटम्स। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर शो करने का है तो कम से कम दो कार्बन तो चाहिए, इसलिए कार्बन कंटेन्स, कंपाउंड कंटेन्स टू कार्बन, यह है इथिन। क्या बताया आपने? C2H3 नहीं है सिद्धेश? C2H4 नहीं, सॉरी, C2H3 नहीं, C2H4 है इथिन। नेक्स्ट, C3H8, सॉरी, C3H6, यह है प्रोपीन। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, राइट। C3H6 प्रोपीन, सिमिलरली C4H8 ब्यूटीन। C5H10, यह है पेंटीन। ओके, C6, सॉरी, C5H12, ये पेंटेन है। पेंटेन है, आ जाए। राइट, C5H10 पेंटीन, C6H12 हेक्सीन, दिस इज हेक्सीन, 6, 7, 8 एंड 9। C7H14, यह है हेप्टीन। C8H16, दिस इज ऑक्टीन। C9H18, सॉरी, नोनीन, एंड C10H20 डेकिन। ओके, ठीक है। अब ये हो गए, दिस इज द सीरीज ऑफ अल्किन, अल्किन की सीरीज हो गई है। अब देखो, खाली एक मेंबर कम है इसमें, वो मिथेन का है, जो एक मेंबर कम है, बाकी दीज आर द 9 मेंबर्स ऑफ अल्किन्स, कंपाउंड कंटेनिंग एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब मॉलिकुलर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो कैसा होगा, देखो। जनरल फॉर्मूला, अब कौन सा भी अगर तुमने
कंपाउंड का ऑब्जर्वेशन किया तो C2H4 जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन, C3H6, C4H8, C5H10, C6H12, C10H20। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितने कार्बन उतने उसके डबल हाइड्रोजन, राइट, ट्वाइस उसके ट्वाइस हाइड्रोजन। बोले तो देखो CnH2n, राइट, अल्केन में क्या था +2, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन +2, उसमें 2 ऐड करने के। मगर अल्किन का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n, इट मींस दैट जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, राइट। अब देखो अप्लाई होता क्या, देखो फॉर्मूला, फॉर एग्जांपल C3H6, दिस इज अल्किन और नॉट, ये अल्किन है क्या नहीं है, कैसे आइडेंटिफाई करने का, अप्लाई करो ये फॉर्मूला। n मींस नंबर ऑफ कार्बन, ये मैंने कल बताया आपको नंबर ऑफ कार्बन, राइट। C3H2 इंटू n कितना है 3, n इज इक्वल टू 3 है ना, यहाँ पुट करो, यहाँ सॉरी 3 पुट करो, 2 इंटू 3 6, C3H6। ये अगर और ये सेम रहा तो अल्किन है ये। अब ये आप इतने तो प्रिपेयर कर सकते हो 10 तक, मगर आपको अगर दिया C17H34 तो कैसे आइडेंटिफाई करने का, जब इस समझ में आता, देर इज नो नीड टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर ईच एंड एवरी कंपाउंड, ऐसा भी आइडेंटिफाई कर सकते। 17 × 2 = 34, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, राइट। तो ये है अल्किन, अल्किन है ये, अप्लाई करने का तो वो भी आता H2 × 17 C17H34, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा आपके, जनरल फॉर्मूला जो है उसका, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके स्ट्रक्चर, अल्किन के स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ अल्किन्स। अब मैंने आपको कल बोला था कार्बन की वैलेंसी 4 है, अभी जो वैलेंसी का मैटर है, वैलेंसी क्या है, इसको कंप्लीट अपने को एक से दो लेक्चर लगते हैं डिटेल में स्टडी करने के लिए, ये मैं आपको अल्काइन होने के बाद बताऊंगा, राइट। ये जो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कैसे फॉर्म होती है, व्हाई कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, व्हाई ऑक्सीजन फॉर्म्स 2 बॉन्ड्स, व्हाई नॉट 3, ऐसा तो ये क्या है चक्कर है वैलेंसी का, वो आफ्टर अल्काइन, अल्काइन का ये जनरल इंफॉर्मेशन देखने के बाद वो देखेंगे अपन, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ अल्किन्स, अल्किन्स का, अल्किन्स के स्ट्रक्चर देखो आप। फर्स्ट, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्किन, दैट इज इथिन, इथिन है, राइट। C2H4, this is the formula of propene, C2H4, ठीक है। अब देखो फर्स्टली क्या करने का, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करने का, कार्बन स्केलेटन, तो दो कार्बन है और ये अल्किन है इसलिए इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो क्या करने का, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन बचे, तो ईच कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड्स, तो 2 बॉन्ड है इसके, तो इसको 2 हाइड्रोजन अटैच करो ऐसे, अब बचे 2, इसको 2 अटैच करो ऐसे, राइट। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथिन। अब अगर आपने देखा तो ईच कार्बन कंटेन्स 4 बॉन्ड्स, 1, 2, 3, 4, यू कैन नॉट ज्वाइन अनदर हाइड्रोजन हियर, तो 5 बॉन्ड हो रहे, फिर 5 बॉन्ड्स हो रहे, तो वो दिस दैट इज नॉट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। आप देखो फॉर्मूला भी C2H4, राइट। सिमिलरली अगर प्रोपीन का देखा जाए तो क्या होगा, C3H6। अब क्या करने का है, 3 कार्बन है
कौन से भी दो कार्बन में डबल बॉन्ड ड्रॉ करो, कौन से भी दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मगर एक ही डबल बॉन्ड, दो नहीं। ठीक है, अब देखो इस कार्बन को दो बॉन्ड अटैच है, तो तीसरा और ये चौथा, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये दो हाइड्रोजन अटैच करो इसको। इस कार्बन को वन टू थ्री, थ्री बॉन्ड्स आर अटैच टू दिस कार्बन, इट मीन दैट ओनली वन हाइड्रोजन शुड बी अटैच्ड, राइट, एक हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब ये इस कार्बन को एक बॉन्ड अटैच है, तो तीन हाइड्रोजन अटैच होनी चाहिए, राइट, आया समझ में? अब देखो ईच एंड एवरी कार्बन कंटेन्स फोर बॉन्ड, वन टू थ्री फोर, इसका भी क्या है वन टू थ्री फोर, इसका क्या है वन टू थ्री फोर, मगर इसमें एक डबल बॉन्ड है इसलिए ये प्रोपीन है। अब देखो ब्यूटीन का, ब्यूटीन के दो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते ब्यूटीन के C4H8, वी कैन ड्रॉ टू स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्यूटीन। अब पहले क्या करने का, चार कार्बन है ड्रॉ करो, एक इसमें डबल बॉन्ड, एक इसमें डबल बॉन्ड ड्रॉ करने का खाली, इसको दो बॉन्ड अटैच है, दो हाइड्रोजन अटैच करो, टोटल फोर हो जाते हैं। इसको तीन बॉन्ड अटैच है, एक हाइड्रोजन करो, इसको दो बॉन्ड है एक हाइड्रोजन, और इसको ए टर्मिनल है इसलिए इसको तीन हाइड्रोजन। अब देखो काउंट द कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन, कार्बन कितने वन टू थ्री फोर, मगर हाइड्रोजन भी काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट हाइड्रोजन आइटम्स, राइट, तो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। अब ये होगा एक स्ट्रक्चर, इन दिस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन टर्मिनल टू कार्बन आइटम्स, लास्ट के दो कार्बन आइटम में डबल बॉन्ड है। वी कैन ड्रॉ अनदर स्ट्रक्चर विच इज डिफरेंट टू दिस, इसके अलावा एक स्ट्रक्चर, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, टेक डबल बॉन्ड बिटवीन टू मिडल कार्बन आइटम, ये डबल बॉन्ड कहाँ लेने का, मिडल के टू कार्बन आइटम में लेने का। अब ये टर्मिनल का है, एक बॉन्ड अटैच है इसलिए इसको तीन हाइड्रोजन, ये भी टर्मिनल का है इसको, इसलिए इसको भी तीन हाइड्रोजन, और इसको वन टू थ्री बॉन्ड अटैच है तो इसको एक हाइड्रोजन, और इसको एक हाइड्रोजन, राइट, इस कार्बन को थ्री हाइड्रोजन, ओके। देखो ये दोस्त, अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, वो बाद में डिटेल देखा जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अरे आप इतना देखो खाली कि कितने स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं एक कंपाउंड के लिए, राइट, दीज टू आर आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स, इन दिस टू एग्जाम्पल्स पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफर, इन फर्स्ट एग्जाम्पल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन आइटम, वेयर एज इन सेकंड एग्जाम्पल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन आइटम, राइट, दिस टू आर आइसोमर्स, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट एंड द डिफर इज इन द फॉर्म ऑफ पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजिशन में इसका डिफरेंस है इसलिए ये आइसोमर्स है, मगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बोथ बोथ आर ब्यूटीन, ये दोनों भी ब्यूटीन है, ठीक है। आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम में उसका डिटेल देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या रिपीट करने का, ये रिपीट करने का क्या, अल्किन्स, अल्किन्स बोले तो द कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एखादे कंपाउंड में कितने भी कार्बन अगर है तो उसमें कौन से भी दो कार्बन आइटम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड शुड बी देयर, राइट, उसको अल्किन बोलते। अब ये देखो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, अब ये जो ब्यूटीन है इसमें भी एक डबल बॉन्ड है मगर डबल बॉन्ड की पोजिशन चेंज है, ये ठीक है। आई विल गिव यू स्क्रीनशॉट सर, ओन क्या बोलते हैं, ओनली कार्बन इज हैविंग डबल, हाँ फिर कार्बन में डबल बॉन्ड रहते ना, कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी सर वी कैन डबल बॉन्ड,
कौन से भी टू दो कार्बन एटम में, दूसरे कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होना चाहिए, दूसरे एटम में नहीं। आप देखो फॉर एग्जांपल, तुमने अगर ऐसा किया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। देखो देखो, पहले पहले देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड है नो डाउट, मगर वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में नहीं। दिस इज नॉट अल्किन। अल्किन की डेफिनेशन देखो, मैंने यहाँ ड्रॉ भी करके, अगर वैसा होता तो मैं कार्बन ऑक्सीजन भी लिखता, मैं कार्बन नाइट्रोजन भी लिखता था, मगर ऐसा नहीं है। अल्किन मीन्स डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ओके, गॉट इट? यस यस, सिर्फ कार्बन में ही होना चाहिए। सिर्फ टू कार्बन एटम में होना चाहिए डबल बॉन्ड। देखो 1 मिनट, ठीक है। अब सर प्लीज मेक मी होस्ट, सर उसके सर प्लीज मेक मी होस्ट, आई वांट टू शेयर इमेज फोटो टू द स्टूडेंट। नहीं, यू डोंट राइट, आप खाली ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब इस मैं आपको शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट होस्ट। तो क्या करो तुम, ये अच्छे से दिख रहा है क्या तुमको? ओके, तुम क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। फास्ट स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट। डिड यू टेक? ओके 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 ओके। सर क्या आप कल के पेजेस दिखा सकते हो प्लीज? कौन है, अक्षय? हाँ ठीक है, कल के पेज दिखा था, जल्दी ले लो फिर ऐसा। ठीक है, अब ये दिस इज फर्स्ट पेज। दिस इज फर्स्ट पेज। हैंडराइटिंग समझ में आती है मेरी? हाँ जल्दी ले लो फिर स्क्रीनशॉट। ये फर्स्ट पेज है कल का। अक्षय, ओके। नेक्स्ट पेज, ये और नेक्स्ट। और ये एक लास्ट, कल 4 पेज हो गए थे। हो गया, ठीक है। ओके, ये तो आपने लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ब्यूटेन, ब्यूटेन तक आ गए हम, ब्यूटेन तक देखा। नेक्स्ट आगे देखो, पेंटीन हेक्सीन हेप्टीन, ओके। फोर्थ वन पेंटीन, नॉट पेंटीन, प्रोनाउंसिएशन इज पेंटीन, C5H10। अब देखो, यस गुड 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 रितेश। केमिस्ट्री इज वेरी इजी सब्जेक्ट। ठीक है, पेंटीन का क्या, C5H10। अब 5 कार्बन एटम है, पहले ड्रॉ करो।
एक इसमें डबल बॉन्ड लो कौन से भी। विस्के कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते तुम? अब थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ मैं। एक हाइड्रोजन और यहाँ दो हाइड्रोजन, कितने ड्रॉ कर सकते तुम पेंटिंग के स्ट्रक्चर? 1 2 3 4 5 6 7 थ्री क्या? नहीं थ्री नहीं कर सकते वो तो ये थ्री नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते? देखो ये एक हो गया, एक हाँ ये एक टाइप का हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट टू कार्बन एटम। अब देखो दूसरा स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लो सेकंड दो कार्बन एटम में। कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते देखो, डोंट कंफ्यूज। अब ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर, अब अगर तीसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का है तो क्या आप क्या करेंगे? ये दोनों में लेंगे डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस दो कार्बन एटम में डबल बॉन्ड लेंगे आप ऐसा, राइट? अब देखो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों भी अलग है क्या? ये स्ट्रक्चर बता सकते क्या मुझे कोई? अलग है क्या तीनों भी? अल्केन सिंगल बॉन्ड ही होता है। तीनों भी अलग है क्या? नहीं, तीनों कंपाउंड अलग नहीं है। अब क्या फर्स्ट एंड सेकंड दिस टू आर डिफरेंट, बट सेकंड एंड थर्ड दिस टू कंपाउंड्स आर नॉट डिफरेंट, दीज टू कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल। तो इसमें तो ये रहता ना ट्विस्ट, ये दो आइडेंटिकल है। कैसे आइडेंटिकल है आप देखो, नॉट हाइड्रोजन। अब ये सेकंड कंपाउंड में ड्रॉ करता है, यहाँ ये सेकंड कंपाउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हो गया। करेंगे 1 2 3 4 और 5, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन, राइट? डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है? सेकंड और थर्ड के, थर्ड कार्बन कार्बन के बीच में, राइट? अब थर्ड वाला एग्जांपल ड्रॉ किया, अगर ये ड्रॉ किया तो कार्बन स्केलेटन ड्रॉ कर रहा मैं सिर्फ, तो आपको ऐसा लगेगा कि नंबरिंग यहाँ से अगर स्टार्ट की 1 2 3 4 5, तो 3 और 4 में डबल बॉन्ड है, मगर ऐसा नहीं है बच्चों। वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 3 4 एंड 5। अब ये आपने, तुमको ये सीखने का अभी, हाउ टू आइडेंटिफाई कंपाउंड्स आइदर दे आर डिफरेंट और सिमिलर, राइट और आइडेंटिकल। अब देखो यू कैन नॉट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन, यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरेस्ट टू द डबल बॉन्ड। जिस साइड से डबल बॉन्ड नजदीक है उस साइड से यू हैव टू स्टार्ट नंबरिंग, नंबरिंग आपको वहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी 1 2 3। अब इन दिस एग्जाम्पल डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम, सेकंड एंड थर्ड कार्बन, तो दोनों भी एक हो गए क्या? नहीं, राइट? बोथ कंपाउंड्स आर सिमिलर। आया समझ में? आया मुझे क्या क्या कहना चाहता हूं मैं? ये आपके समझ में आया? ओनली टू टू कंपाउंड्स यू कैन ड्रॉ, नॉट मोर देन टू इफ कंपाउंड कंटेनिंग डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है कंपाउंड में तो आप दो ही कंपाउंड ड्रॉ कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आपने थ्री ड्रॉ किए, मगर आउट ऑफ थ्री कंपाउंड्स टू आर आइडेंटिकल, बिकॉज इन दैट कंपाउंड पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड इज सेम। ओके गॉट इट? पॉइंट समझ में आया क्या?
ओके नेक्स्ट हेक्सीन फिफ्थ हेक्सीन C6H12। अब इसके देखो कितने कंपाउंड आप ड्रॉ कर सकते हो तो ऐसे स्ट्रेट चेन में है क्या स्ट्रेट चेन में बोल C6। अब टर्मिनल को पहले डबल बॉन्ड ड्रॉ करो नाउ यू कैन टेल मी। अब आप बता सकते हो मुझे एक डबल बॉन्ड ये इसमें आ गया दोनों में एक कंपाउंड हो गया दूसरा डबल बॉन्ड ये दोनों में आ गया दो कंपाउंड हो गए तीसरा ये दोनों में आ गया तीन कंपाउंड हो गए अगर चौथा इस दोनों में लिया तो वो क्या होगा सेकंड एंड थर्ड में होगा जो पहले देखा है तो तीन ड्रॉ कर सकते राइट 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 थ्री कंपाउंड्स वी कैन ड्रॉ ओके तो कैसे वो देखो अब डबल बॉन्ड इसको दो हाइड्रोजन अटैच करो इसको एक हाइड्रोजन इसको दो हाइड्रोजन अब आप कर सकते हो ओके ओके ठीक है अब दूसरा कंपाउंड कैसा ड्रॉ कर सकते अब डबल बॉन्ड ले लो सेकंड एंड थर्ड में फर्स्ट को छोड़ो सेकंड एंड थर्ड में ले लो ओके हाँ ये बराबर हो गया इसको तीन इसको दो हाइड्रोजन ओके अब तीसरा कैसा ड्रॉ कर सकते डबल बॉन्ड ले लो सेंट्रल के दो कार्बन आइटम में बोले तो यहाँ इसको एक एक इसको दो इसको तीन ओके अब नंबरिंग इधर से स्टार्ट की अब यहाँ नंबरिंग स्टार्ट अगर वहां वन टू थ्री ऐसी की तो ये वन और टू में आता ये डबल बॉन्ड वन टू में आता यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट की तो वन टू थ्री ये टू थ्री में आ रहा है टू थ्री और यहाँ से थ्री फोर ये थ्री फोर में आ रहा है ओके तो तीन कर सकते अगर आपने एक फोर्थ कंपाउंड अगर ड्रॉ किया और उसमें डबल बॉन्ड यहाँ ड्रॉ किया तो नंबर यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी फिर वन टू टू और थ्री में आ जाएगा और टू और थ्री वो होगा आइडेंटिकल इसके साथ इसलिए हेक्सेन के थ्री कंपाउंड ड्रॉ कर सकते ओके ये ठीक है ले लो अभी खाली ये प्रैक्टिस करो एक थोड़ी जनरल इंफॉर्मेशन है एक बार ये सब पता हो गया कि फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं ठीक है ये भी नहीं ये हो रहा सर भूल गए मुझे होस्ट बनाने का तो आप देखो ये ऐसा ले लो स्क्रीनशॉट ओके 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 ठीक है अब डेकिन के स्ट्रेट चेन में कितने कंपाउंड ड्रॉ कर सकते तुम डेकिन के अगर आप बीच पहले तुम करो वो कर लिया C10H20। अब देखो कैसे आइडेंटिफाई करने का तो पहले कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करो 10 कार्बन चार ओके पांच फाइव आ रहा आंसर और किसका कुछ आएगा अलग फाइव आइसोमर्स फाइव स्ट्रक्चर ओके अब देखो यहां से नंबर स्टार्ट करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अब देखो फर्स्ट और सेकंड में
एक, और एक डबल बॉन्ड यहाँ अगर लिया तो एक स्ट्रक्चर हो रहा, सेकंड और थर्ड में दूसरा, थर्ड और फोर्थ में तीसरा, फोर्थ और फिफ्थ में चौथा, राइट। और एक होता क्या, पांचवा। वन टू थ्री फोर फाइव, हाँ ठीक है। मगर आपने अगर यहाँ लिया, अब देखो सिक्स और सेवन में अगर आपने सोचा ड्रॉ करने का, तो यहाँ जो हो रहा तो यहाँ क्या वन, इधर से अगर नंबरिंग वन टू थ्री फोर फाइव, ये फोर फाइव में जो है उसका आइसोमर्स, उसका उसको आइडेंटिकल होगा, राइट। और सेवन और एट में अगर सोचा तो ये किसको आइडेंटिकल होगा, थ्री और फोर्थ को। तो यू कैन ड्रॉ फाइव स्ट्रक्चर्स, राइट। अब आपके समझ में आया होगा फाइव स्ट्रक्चर्स, ओके ठीक है। डेकेन का समझ में आया तो बाकी सबका समझ में आता। यस यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ यू हैव डिफिकल्टी, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नो सर इट्स क्लियर, ओके 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 ओके। नेक्स्ट अब देखो इसका फॉर्मूला देखा, स्ट्रक्चर देखा। नेक्स्ट अल्काइन, अल्काइन ठीक है। अल्काइन बोले तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसमें भी एटलीस्ट टू कार्बन होने चाहिए। अब आपने अगर देखा तो अल्केन में ए एन ई, अल्किन में ई एन ई और अल्काइन में वाई एन ई। देखो अल्केन अल्किन अल्काइन, ये भूलने का नहीं, राइट। ये किसने वो फॉर्मूला किसने बताया, श्रीवास्तव, ओके योर आंसर इज करेक्ट। इसका फॉर्मूला क्या है, अब मैं बता था इसका फॉर्मूला, मैं बताने वाला था, आपने जल्दी बता दिया। सी एन एच टू एन माइनस टू, अब ये तीनों चैप्टर पैरेलल पढ़ने के रहते कभी भी परफेक्ट करने के लिए, अगर ये तीनों परफेक्ट हो गए तो फिर तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री परफेक्ट होगी। अब देखो अल्किन अल्काइन जो है वाई यानी कंपाउंड कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कौन सा होगा, फिर फर्स्ट कंपाउंड होगा इथाइन, ए यानी रिप्लेस करने का, वाई यानी अटैच करने का। इसका फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला है इथाइन का, C2H2, C2H2, राइट। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कैसा करने का, ये भी आपको मैं बता दूंगा। C2H2, तो अब क्या करने का, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ करो, मैं अब स्ट्रक्चर देखने का बाकी है ना, ठीक है बाद में देखेंगे। दूसरा क्या है, प्रोपाइन C3H4, C3, देन ब्यूटाइन, ब्यूटाइन C4H6, देन पेंटाइन, वाई यानी पेंटाइन C5H8। कन्फ्यूजन नहीं होने का, कार्बन देखो कार्बन इंक्रीज बाय वन, यहाँ टू थ्री फोर फाइव कार्बन, और फॉर्मूला क्या है टू हाइड्रोजन टू से बढ़ रही, टू फोर सिक्स एट, ओके पेंटाइन C5H8। जस्ट वन मिनट, प्रोपाइन का क्या क्या कौन क्या बोल रहा, मिथाइन नहीं 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 मिथाइन नहीं रहता, मिथाइन इसलिए नहीं रहता कि अल्काइन का मेंबर जो है अल्काइन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए ना, तो एक कार्बन में कहाँ ट्रिपल बॉन्ड, मिथाइन में एक ही कार्बन रहता, वहां ट्रिपल बॉन्ड कहाँ देने का, तो एटलीस्ट टू कार्बन होने चाहिए। नेक्स्ट फाइव हेक्साइन, हेक्साइन क्या है, अल्किन अल्काइन में नहीं, मिथेन का नहीं, मिथेन एक कार्बन एटम का कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट टू होने चाहिए वहां। अल्किन और अल्काइन में
member start from minimum two carbon atoms. Keep in your mind. C6H10. Okay. Then sixth one, heptine. C7H12. Octane. C8H14. Octane. क्या कौन सा बचा है बाकी? इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन. सात से वो है. हाँ, नोनाइन. नोनाइन, C9H